नमस्कार, ग्राउंड में टीम एक बार फिर से मौजूद है कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में, जो अच्छे लगातार हमको पहले बताया था, लगातार हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं किसान आंदोलन की। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े जो हरियाणवी कलाकार है, बड़े फेमस प्रसिद्ध मशहूर कलाकार है, देव कुमार देवा, वो हमारे साथ जुड़े हैं, इस आंदोलन में पहुंचे हैं। वो भी एक किसान के बेटे हैं, उनसे भी जानते हैं इस कृषि बिल पास हुए हैं इन्हें लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो हमारे ग्राउंड के माध्यम से आप हमारे सभी दर्शकों को क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक ग्राउंड मीडिया को देख रहे हैं, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि किसान से हर कोई जुड़ा हुआ है। किसान एक कोई कौम नहीं, किसान एक पूरी 36 बिरादरी है, चाहे वो किसी भी जाति से है, वो कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा हुआ है। ग्राउंड मीडिया पे मुझे देखने वालों को सबसे पहले राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और किसान के इस आंदोलन में अभी मैं सिंघू बॉर्डर पे आया हुआ हूँ, टीकरी बॉर्डर पे जाना है, तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो ये अध्यादेश आए हैं, जो किसान को गर्त में डालने के लिए आए हैं, लोगों को, बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि इस अध्यादेश में बहुत बड़ा झोलमाल क्या है। सबसे बड़ा झोलमाल है MSP, जो कि एक मिनिमम गारंटी पे सरकार अन्न खरीदती थी किसान का सन 1956 में, आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए। एक कानून बना था सन 1956 में, भी कोई भी चार एजेंसी, सरकारी चार एजेंसी हैं, हैफड, SFI, इस तरीके की चार स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट की चार एजेंसी वो खरीदती हैं और सरकार रेट तय करती है, MSP तय करती है। लेकिन अब जो व्यवसायियों के साथ मिलके कंपनी राज जो आ रहा है, उस कंपनी राज के उससे MSP खत्म हो जाएगी। अगर कोई खरीद लेगा तो उस पैसे की भुगतान की गारंटी भी नहीं है, तो किसान जाए तो कहाँ जाए? सिर्फ ये दो बड़े झोल हैं। इसके साथ ही मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, किसान का बेटा होने के नाते जो सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि किसान आज रोड पे है। अगर ये कानून ठीक भी है तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि आज इतने किसान किसी राजनीतिक संगठन से प्रेरित होके नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा गाँव है, घर है, मेरे ताया, काका, ताऊ, दादा सब खेती बाड़ी करते हैं, तो क्लियर सी बात है कि हम दुखी हैं और इस दुख को हम ग्राउंड मीडिया पे अपने दुख को रो रहे हैं कि सरकार ने जल्द से जल्द ये जो बिल लेके आए हैं इनको वापस लिया जाए। अगर वापस लिया नहीं जाए तो किसान के हक में MSP और भुगतान की गारंटी की लिखित रूप में गारंटी दे, तब जाके किसान उठेगा। देव भाई, मोदी साहब न्यू के हैं कि जो कानून बनाए हैं ना, इसमें किसानों का बहुत बड़ा फायदा है। मोदी साहब, अगर फायदा है तो छोटी सी बात है, MSP और भुगतान की गारंटी लिखित रूप में, उसमें एक लाइन डालनी है, वह डाल दे, हो गया फायदा, हो गया फायदा। चलो एक बात और, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी साहब का फायदा, मंडी व्यवस्था खत्म, छोटा मंझला व्यापारी वो खत्म, किसान की खरीद का कोई पता नहीं, कौन खरीदेगा, कहाँ खरीदेगा, दूसरा भुगतान का कोई पैसा मिलेगा या ना मिलेगा, अगर कोई धनड्डे दिवालिया घोषित कर दे, जैसे ये कई नीरव मोदी, फलाना, सुब्रतो, वो भाग गए, इसी प्रकार कोई किसान की फसल का बेच बाच के उस पैसे को लेके भाग गया, तो उसका भुगतान गारंटी सरकार दे रही है, कहाँ है फायदा? देव भाई एक बात बता, अगर ये कृषि कानून लागू होते हैं, इसका सबसे ज़्यादा और सीधा सीधा फायदा किसको होता है? अगर कृषि कानून, मेरी जानकारी के लिए, मैं कुछ किसान संगठनों से बेरी की मंडी में गया, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ मंडी लगती है बेरी, मेरा गांव डी। सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? मैं अभी बताता हूँ, ये सबसे बड़ा, ये कम से कम 30-35 लाख करोड़ का व्यवसाय है कृषि से, और भारत की 50-51% GDP इसी पे डिपेंड है। कुछ व्यापारी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा, अदानी, अंबानी, उन लोगों ने ये सोचा कि तुमने चिप्स बना लिया, दारू बना ली और बहुत कुछ बना लिया, लेकिन किसान की फसल के ऊपर काबू नहीं पाया गया। जहां हमें सबसे मजबूत आज़ादी है, जहां किसान को सरकार से सीधा टारगेट, सरकार के साथ है, उसके बीच में व्यापारी आ जाएंगे और तीन से चार बड़े व्यापारी जो भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं, सीधा उनको फायदा होने जा रहे हैं। सीधा सीधा बड़े बिजनेसमैन को फायदा, कॉरपोरेट को फायदा है जी। चलो देवा भाई,
इस चैनल पे तो आएगा तुम्हारे, एक काम कर ले भाई, रिक्वेस्ट है जितने भी दर्शक हमारे देख ला रहे नहीं, कोई बढ़िया सा सुना दे सौदा दो मिनट का। मैं आप सब से सिर्फ कलाकारी का, हाँ कलाकारी का, आप सब से ये दो चैनल के ऊपर जितना भी मामला हुआ है, अपना हरियाणा में हुक्का पिया रहा, मेरा सबसे पहले गाना आया खेच के मारा दम या चलगी चलम यो गम मन कम कर लिया, जब भी तेरी याद आई होका भर लिया। और एक भाई गा के सुना देगा, एक हम गा के आऊँगा, एक लेटेस्ट जो मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह को याद करता हूँ और उन्हीं के, अब मैं सरकार के सामने जो ये वोट मांगते हैं उनके सामने रखता हूँ एक पुरानी तर्ज को एक हरियाणवी तर्ज में लेके आए, ना चाहिए बोटा पे ना चाहिए नोटा पे, ना चाहिए बोटा में ना चाहिए नोटा पे, होना चाहिए तेरा नाम भगत सिंह मारे होठा पे, होना चाहिए तेरा नाम भगत सिंह मारे होठा पे, साडा हक ऐथे रख समझाया था तन्ने रे, साडा हक ऐथे रख समझाया था तन्ने रे, जवानी का मतलब सिखाया था तन्ने रे, ना चाहिए चोटा में ना चाहिए खोटा में, ना चाहिए चोटा में ना चाहिए खोटा में, होना चाहिए तेरा नाम भगत सिंह मारे होठा पे, होना चाहिए तेरा नाम भगत सिंह मारे होठा पे। नुबलिया आज कानून बनाए हैं अध्यादेश 3, इसी प्रकार शहीद आजम ने जब बीड़ा उठाया आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और हर जगह जाके आंदोलन को बड़े रूप में इंकलाब जिंदाबाद हो किया। ओ रंग दे बसंती चला माई मेरा, जितने युवा मुझे इस चैनल पे सुन रहे हैं आज भी वही हम गुलामी के दौर में जाने वाले हैं अगर ये अध्यादेश लागू हो गए तो। ओ रंग दे बसंती चोला माई मेरा, देश खातिर कुर्बान हो जा बेटा तेरा, ओ रंग दे बसंती चोला माई मेरा, देश खातिर कुर्बान हो जा बेटा तेरा, दिल ते यो चावे से देवारे गावे से, होना चाहिए तेरा नाम भगत सिंह मारे होठा पे, होना चाहिए तेरा नाम भगत सिंह मारे होठा पे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाई देव कुमार देव, हरियाणवी के कलाकार, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, बड़ा सुंदर इन्होंने गीत सुनाया है देशभक्ति पर और उस देशभक्ति के दौरान आंदोलन पे जब पहुंचे हैं और भगत सिंह शहीद भगत सिंह को याद किया है, उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया है। हमारी भी ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। जी जी, जो बने रहिए, जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, हम आपको लगातार ये रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, दिल्ली के किसान आंदोलन कुंडली बॉर्डर से अपने कैमरामैन सोगी इंतजार आलम के साथ।